आप सब लोगों को पता है आजकल सारे जिम्स बंद हैं और हम सब लोग घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो घर पर एक्सरसाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हम जिम में आसानी से कर लिया करते थे लेकिन हम घर में उतने ईजिली नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिटअप्स। जिम में सिटअप्स के लिए बेंचेस होती हैं जिनमें हिंजेस होते हैं जहाँ आप अपने पैर फंसा सकते हैं, उस हिंज को आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं और आप सिटअप्स आराम से कर लेते हैं। घर में जब आप सेटअप्स करने चलते हैं तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपको अपने पैर फंसाने की भी जगह नहीं मिलती। जिस ओपन एरिया को आपने चुना है सेटअप करने के लिए, या तो वहाँ कोई ऐसा हैवी फर्नीचर नहीं मिलेगा जहाँ पर अपने आप पैर फंसा सकें, या जहाँ पर फर्नीचर है वहाँ पर आपको इतना ओपन एरिया नहीं मिलेगा, तो जनरली प्रॉब्लम आती है। तो मैं एक टिप शेयर करना चाहूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ, शायद आपके भी काम आएगी। तो लेट मी शो यू। कोई भी एक घर में आपके रॉड हो, स्टिक हो, बैम्बू हो, कुछ भी आप ले सकते हैं। मैंने ये एक रॉड ली हुई है, ये एक्चुअली एक पुराने मॉप की, स्टैंडिंग मॉप की रॉड है जो कि मैंने उससे निकाल ली थी, मॉप ख़राब हो गया था इसलिए। तो इस रॉड को मैं रखूँगा हॉरिजॉन्टली। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनकी हाइट 3 to 4 inches हो आप ले सकते हैं। मेरे पास ये रेजिस्टेंस बैंड थे विद दीज हैंडल्स, तो मैंने ये लिए हुए हैं। इन हैंडल्स की हाइट फ्लोर से 3 to 4 inches है, तो मैं इनको यहाँ रखता हूँ। इस पर मैं अपनी रॉड रख देता हूँ। डंबल्स हैं, इसको मैं इस रॉड के ऊपर अक्रॉस रख रहा हूं ऐसे। अब आप देखेंगे कि यहां पर पैर फंसाने के लिए अच्छी जगह बन गई है, आप इसमें कंफर्टेबली पैर फंसा सकते हैं। और क्योंकि ये वेट है तो ये रॉड ऊपर नहीं जाएगी, दोनों तरफ इक्वल स्पेसिंग है इसलिए ये रॉड एक हाइट पर बनी रहेगी। आप इजीली अपने पैर इसमें फंसा के सिटअप्स कर सकते हैं। यही नहीं, आप घर में अवेलेबल कोई भी थिक सी चीज यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये बुक। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। इफ यस, देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली and show me your appreciation by giving this video a big thumbs up so that I can be inspired to make more such tips and tricks videos in future. My name is Shashank. Thanks for watching.